कि देश के अंदर जो अधिकतर बीजेपी और कांग्रेस को सांपनाथ और नागनाथ कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है सांपनाथ और नागनाथ, उसके बारे में थोड़ा क्लियर करें। देखिए, ये सांपनाथ और नागनाथ जो शब्दावली है वो माननीय कांशीराम साहब ने बीजेपी और कांग्रेस के लिए यूज़ की है। इसका मतलब ये है, इनफैक्ट माननीय कांशीराम साहब से पहले बाबा साहब ने इस तरह का ही एक विश्लेषण किया है। उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मणवाद है उसकी दो भुजाएं हैं, एक जो बहुत सांप्रदायिक किस्म के ब्राह्मण हैं और एक जो प्रगतिशील ब्राह्मण बनते हैं, जो अपने आप को थोड़ा सा कहते हैं कि भाई हम उस तरीके से कर्मकांड में नहीं हैं, और दूसरे वो हैं जो पूरे कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। वहीं बाबा साहब ने उनको दो भुजाएं बताया, एक शरीर की दो भुजाएं बताया। आगे चल के माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि भारत में कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस तो नागनाथ की तरह है, जो नहीं नागनाथ की तरह है बीजेपी, जो काले नाग की तरह एकदम सामने आपको नज़र आता है, वो सीधे सीधे बात कर रही है कि हमें मनुस्मृति को लागू करना है, या हमें उसका मतलब कोई बहुत ज़्यादा लुका छिपी का खेल नहीं है। वो क्लियर अपने विचारधारा में कि वो हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है, उसके बहुत सारे लोग मनुस्मृति लागू करने की बात करते हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो है वो थोड़ा माइल्ड तरीके से बात करती है, जैसे कि राहुल गांधी जो हैं वो छुपके अपनी जनेऊ दिखाने का प्रयास करते हैं, बताते हैं कि हम दत्तात्रेय ब्राह्मण हैं। तो दोनों हैं तो जहरीले ही, लेकिन एक खुल के अपनी बात करता है, जो अपने वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, दूसरे लुका छिपी का खेल करते हैं। कांग्रेस को माननीय कांशीराम साहब ने नागनाथ और सांप, कांग्रेस और बीजेपी को नागनाथ और सांपनाथ इसी संदर्भ में बोला। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि और दूसरी पार्टियां जैसे कम्युनिस्ट हैं, उनको कहा कि ये हरे सांप हैं जो हरी घास में छुपे हुए हैं। इससे क्लियर होता है कि भाई आपको पहचानने में उनको परेशानी होगी कि वो, लेकिन जहर वहाँ पे भी है। इसलिए बहुजन समाज को सतर्क रहना चाहिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो आज की तारीख में कांग्रेस है या बीजेपी है या इवन कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, वो अपने ब्राह्मणवाद को नहीं छोड़ पाती हैं, अपने जातिवाद को नहीं छोड़ पाती हैं, और जब ये मीठे लोभ लुभावने वादे करते हैं तो इससे बहुजन समाज को कई बार गलतफहमी हो जाती है, कई बार वो उनके बहकावे में आ जाता है। समाज बहकावे में ना आए, इसलिए सांपनाथ और नागनाथ की संज्ञा माननीय कांशीराम साहब ने दी। अभी इन चुनावों में ही आप इसको देख सकते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा आंदोलन इस समय पर गठबंधन की तरफ से चल रहा है, लेकिन कांग्रेस ने कई सारी ऐसी लोगों को खड़ा किया है, कई सारे ऐसे लोगों को इकट्ठा करके वो अपना चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि गठबंधन के जो मजबूत कैंडिडेट हैं उनकी कुछ वोट्स कम हो जाएं या कुछ वोट जो हैं कट जाएं। इसलिए कांग्रेस छुपे छुपे कई बार सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है, कई बार जातिवाद को बढ़ावा देती है, लेकिन बीजेपी ओपनली उस तरह का कार्य करती रही है, उसको ज़्यादा अपनी तरफ से छुपाने का प्रयास नहीं करती है, वो अपनी आइडियोलॉजी में बहुत क्लियर है। इसीलिए कांशीराम साहब का ये भी कहना था कि भाई हम बीजेपी से बहुत ज़्यादा हमें डर नहीं है, लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टियाँ जो चोरी छिपे जातिवाद अपनाती हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि पिछले 70 साल में देखें, अधिकतर समय में 50 साल तो हो सकता है कि कांग्रेस का ही शासन था, लेकिन उसके बावजूद भी SC ST OBC के अधिकार सुरक्षित नहीं रह पाए। बीजेपी का शासन 10-12 साल रहा है, लेकिन 10-12 साल में भी SC ST के अधिकार सुरक्षित नहीं रह पाए। दोनों ही परिस्थितियों में SC ST OBC के अधिकार सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन एक पार्टी बहुत ज़्यादा वायलेंट तरीके से काम कर रही है, दूसरी पार्टी शांत तरीके से काम करती है ब्राह्मणवाद को बनाए रखने के लिए। बहुजन समाज को अपने आप, बहुजन समाज को सावधान करने के लिए कांशीराम साहब ने, और अब मायावती जी समाज को सावधान करती रहती हैं इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।